मेरी जान, मेरी पठान, मेरी जान, ऐसे कर रहे थे सब, झूम रहे थे अंदर बुरी तरह। भक्तों की बढ़ गई, गा 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 गा। ऐसा ही लग रहा था कि फिल्म नहीं चल रही, लोग शाहरुख खान के साथ बैठे हुए उसकी फैमिली का हिस्सा है। झूमा जो पठान, भक्तों की बढ़ गई, गा गा गा। देखो भैया भक्तों, एक पठान के साथ एक पठान फ्री था, सलमान खान भी आ गए थे इसमें, भाई जान भी आ गए थे पठान के साथ, दोनों ने मिलकर बहुत तहलका मचाया कि वाकई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी ये। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अरे किसी के खानदान में हिम्मत है कि पठान का कुछ बिगाड़ ले? पठान ने फिर दिखाया कि पठान जिंदा है। मौसम बिगड़ गया, मौसम बिगड़ गया, यही कहूंगी कि पठान ने एक अक्की। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कैसी लगी? कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया। पठान जिंदा है? जिंदा है और रहेगा भी। अच्छा, कुर्सी के पेटी बांधते है? नहीं नहीं। मौसम निकला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, हिला दिया। कदर आ भाई, कदर। हाँ आइए, मजा आया भाई, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ हाँ, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। लोग विरोध कर रहे थे? हाँ, अरे विरोध विरोध कौन करे भाई, फिल्म फिट है, बिल्कुल सुपर हिट। शाहरुख खान चला कैसी थी फिल्म आंटी? बढ़िया कैसा रहा? बहुत बेहतरीन बेहतरीन। फ्लॉप होने वाली है? नहीं नहीं होगी। कुछ बोले ही मैम, कैसा रहा फिल्म? कोई चांस ही नहीं है ब्रो, फ्लॉप। कैसा रहा फिल्म? सुपर हिट, बहुत अच्छी। हिट होने वाली। आप सब देखने क्यों नहीं गए? सब हम देख चुके हैं सुबह वाली। आपको कैसा लगा? हम लोग देख चुके हैं। बॉलीवुड कमबैक करेगा इस मूवी के साथ। चार साल के बाद शाहरुख खान नजर आए, कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत। आज बायकॉट गैंग बोल लेते, बायकॉट करो, बेकार है शाहरुख खान। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी? उनको क्या कहना है? मजा आया, मजा आया। एक्शन है, एक्शन है पूरा। हाँ एक्शन है, मुझे पसंद है एक्शन। ऐसा ही लगा रॉकिंग खान, किंग खान रूल्स, पठान किंग खान रूल्स, पूरा जलवा है, जलवा जलवा है, जलवा है, जलवा है पठान का। अच्छी थी, कैसी थी आंटी? हम आप तो लोग तो कह रहे हैं कि जलवा बना हुआ है, पठान का जलवा है। अच्छा 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 है। अच्छा पॉपकॉर्न वाले भाई, फिल्म फ्लॉप होने वाली है? कुछ जाके देख लो, कुछ जाके सुपर हिट जाएगी। हां, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत पसंद है लोगों को। धनिया बेचवाने वाले क्या कहेंगे उनको, जो धनिया बेचवाने वाले? सुपर मूवी, सुपर। धनिया जो बेचवा रहे थे उनको क्या कहेंगे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, कुर्सी के पेटी। मजा आ गया, मजा आ गया। तूफान आया कि नहीं भाई? फुल्ली तूफान आ गया, हिल भी गया, सब कुछ हिल गया, सब कुछ हिल गया। हाँ, लंप आ गया, जो जल रहे थे उनका सब जल जाएगा देखने के बाद। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। हाँ जी, बहुत मजा आया। चल ठीक है। क्या भाई, कैसी लगी फिल्म? बढ़िया। मैम क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? गजब मूवी। शाहरुख खान को चार साल के बाद देखा, बहुत बढ़िया। मैम क्या हुआ भक्तों की? क्या हुआ? भूकंप आ गई, भूकंप। भक्तों की फट गई, मुबारा झूमा जो पड्डा, भक्तों की फट गई। गा 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 गा। गालियों ने तुम मिले हो गए भक्तों से? कैसा रहा झूमा जो पठान, भक्तों की फट गई? गा गा गा। गालियों ने हिला दिया। आसमान, आसमान है, आसमान है। यहाँ मैं गार्ड नहीं लाई, देखो आसमान में डरके से गार्ड नहीं लाई। आपको लग रहा डरके से? मैं गार्ड नहीं लाई। आप यहाँ नहीं है, पिक्चर हॉल सही है, कोई आग नहीं लगी, आप लोग खड़े में। आसमान ना मालूम आप किस गुफा में पड़ी हुई है, नहीं मालूम। मेरा बुरखा नहीं आपने दिया, लेकिन वाह पठान ने दिखा दिया भक्तों की। अजय धनिया बिचवा रहे थे? धनिया कटवाएंगे सारे पांच से। फट गई, फट गई, ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर फट गई। लोग कह रहे हैं फ्लॉप हो जाएगी अभी भी। हाँ तो आपको लग रही है फ्लॉप हो गई? तुम्हारी एक घंटे में 5 लाख गया, लोग पागल है मेरे। मैं अंदर से वीडियो बना बना कर देख रही थी। अरे किसी के खानदान में हिम्मत है कि पठान का कुछ बिगाड़ ले? पठान ने फिर दिखाया कि पठान जिंदा है, जिंदा।
अच्छा बोले बकवास मूवी है। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पाकिस्तानी बोल रहे होंगे। तो चना बेचवा रहे थे, चना 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 खुद बचाएंगे साले। पठान रॉक, पठान रॉक, पठान, पठान भाई, पठान, 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 इंडिया में से पठान। सब खोल दी, बांध ली, सब अरे बायकॉट करने से बायकॉट हुआ। तीसरा शो है जबरदस्त हाउसफुल है। मैं तो बस ये कहा झूमा जो पठान भक्तों की फट गई, गा गा गा, गाली नहीं दे सकती भाई। मैं देखो गाली नहीं दे सकती, बस भक्तों की ऐसी हो गई। ऐसे एक कोई डायलॉग शाहरुख खान का? शाहरुख खान का तो शाहरुख खान का, शाहरुख खान जिंदा है, पठान जिंदा है, सारे ही है, सारे शाहरुख खान के एक से एक अल्टीमेट ढाई ढाई करोड़ के डायलॉग थे। उन्हीं के अंदाज में एक डायलॉग बोलकर दिखाई। शाहरुख खान का तो यही था कि कोई भी फौजी जो है वो देश देश फौजी से नहीं पूछता कि उसने देश के लिए क्या करा। हाँ। लेकिन फौजी देश से पूछता है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। हाँ। बहुत अल्टीमेट थी। और ये देखो भैया भक्तों, एक पठान के साथ एक पठान फ्री था। हाँ। सलमान खान भी आ गए थे इसमें। हाँ। भाईजान भी आ गए थे पठान के साथ। हाँ। दोनों ने मिलकर वो तहलका मचाया कि वाकई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। जॉन अब्राहम की भी अच्छी थी, लेकिन वो नेगेटिव रोल था कि वो एक फौजी होने के बाद एक देशद्रोही बन जाते हैं। सबके रोल अपनी अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर भक्तों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बेचारे खड़े तो नहीं आ गए? नहीं खड़े। नहीं, कैसा माहौल था? थिएटर में बहुत अच्छा माहौल था। इतनी हूटिंग थी, जहाँ भी शाहरुख खान आता था कोई भी एक जबरदस्त शॉट होता था, कोई भी स्टंट करता था, हूटिंग से पूरा स्टेज पूरा हॉल ऐसा था गूंज जाता था। मतलब सबने अप्रिशिएट करा, बहुत तगड़ा अप्रिशिएट था। बस मैं कहूंगी झूमा जो पठान भक्तों की फट गई, गा गा गा। सुनिए, कितने साल बाद इस तरीके का माहौल किसी पिक्चर के आने के बाद? देखिए कि 4 साल में शाहरुख खान आया, और मेरे ख्याल से 14 के बाद जनता इतनी हंसती मुस्कुराई, इतनी खुश जनता भारत की पहली बार नजर आई। नहीं तो नाम तो डरा डरा के मारा, पाकिस्तान ये कर रहा है, किसान ये कर रहा है, जवान ये कर रहा है, शाहीन बाग ये कर रहा है। पहली बार जनता हंस रही है, खुश हो रही है। तो मोदी जी तुम्हारा क्या जा रहा था? नाजायज औलादो, काश तुमने ना बायकॉट करा तो आज तुम भी बैठे हो। तो सीढ़ियों में बैठा लेती मैं, कहते तो सही, मैं 50-50 रुपए का टिकट तुम्हारे लिए सीढ़ियों का खरीदती। लेकिन आज तुम डंडे बजा रहे होंगे, एक दूसरे पे सर खुजा रहे होंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने चिंता मत करो, छोटे छोटे अच्छे शॉट निकाल के फेसबुक पे लगाए, अपने ट्विटर पे लगाए, देखना फिल्म का मजा लेना। लेकिन वाकई पठान मूवी ऐसी थी कि पैसा वसूल थी। मैं तो रोज भी मिलेगी, मैं रोज देखूंगी। अयोध्या के संतों ने कहा था अगर मूवी लग गई तो थिएटर फूंक देंगे। तो फूंका क्या? आप भी यहाँ, थिएटर भी है यहाँ, मैं बिल्कुल जस्ट अभी निकल कर आई हूँ। कोई क्या मैंने निकली, मैंने स्टेटस लगाए तो कौन सा थिएटर फूका? थिएटर तो फूका, आग तो लगी, लेकिन भक्तों के पता नहीं कहाँ कहाँ लगी फिल्म। आग लगी लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ लगी। मैंने कहा ना भक्तों की फट गई, कागो। जो संत थे वो भी बहुत पहले बॉयकॉट चिल्ला रहे थे। एक बात तो बताइए, जो संतों का बॉयकॉट क्यों करेगा? संत का मतलब क्या होता है? कि वो पूजा पाठ करे, वो दुनिया को छोड़ दे। जो दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं, वो ढोंगी है, वो संत हो ही नहीं सकता। वो ढोंगी थे। कहा जा रहा था कि सिर्फ एक वर्ग जो है वो इस पिक्चर को देखने जाएगा। नहीं, देखिए शाहरुख खान एक ऐसा खुशनसीब एक्टर है, अगर इसकी फिल्म बॉयकॉट ना होती तो सुपर डुपर हिट ना होती। आप ही देखिए, आप ही के चैनल पे मेरा एक इंटरव्यू 1.5 करोड़ से ज्यादा चला है, आपके चैनल पे भी चला है, फेसबुक पे भी चला है, वो वीडियो मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ चली है। सिर्फ इस वजह से बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गया। अगर तुम एक्टिव ना होते, अगर ये फिल्म 10 रुपए कमा रही होती, तुम्हारी वजह से इसने 1000 कमाया। पहली हिंदुस्तान की मूवी ऐसी जिसके 20 लाख टिकट एडवांस में बुक हो गए, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब पठानों से पंगा लेना नामुमकिन है। आपको कोई पठान से पंगा नहीं लेगा। शाहरुख खान ने एक इबारत लिखी, शाहरुख खान ने कहा अगर तू पठान है तो डरना मत। अब ये देखिए जितने भी पठान आए, काश तुम लोगों ने लाल सिंह चड्ढा पे भी ऐसे ही करा होता तो लाल सिंह चड्ढा भी ऐसे ही सुपर डुपर हिट होते। अरे पठान का हाल भी लाल सिंह चड्ढा ऐसा हो गया। अरे उनका, अरे आपने देखा कैसा हो रहा है? लोग खुश खुश निकल रहे, कोई रोता हुआ निकल रहा है, ऐसा रास्ते में निकल रहे। रोते हुए कौन निकल रहा है? नहीं कोई भी
नहीं निकाला, रोते हुए तो वो बेचारे भूखा मर रहे होंगे। अक्षय कुमार वगैरह की फिल्म नहीं चल रही है अब, इसे क्या बॉलीवुड कमबैक करेगा इस फिल्म से? अक्षय कमबैक करे नहीं करे, गुफाओं की औलादे कमबैक नहीं करेंगे, कमबैक पठान ही करेंगे, चाहे साधु को चाहे सलमान हो, वो नहीं करेगा। कैनेडियन पुत्र बैक नहीं करेगा, वो तो खुद ही भगवे में कर रहा था, तेरी चाहते भूल भुलैया जय जय श्री राम, वो तो खुद ही भगवा के सबसे बड़ा खतरनाक वाला है, तो वो कम बैक नहीं करेगा। हाँ आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान फिर कम बैक करेंगे, और ये क्रेडिट शाहरुख खान को जाएगा। बॉलीवुड को पठान ने फिर कहा कि हाँ पठान अभी जिंदा है तो बॉलीवुड भी अभी जिंदा है। बॉलीवुड को अगर करंट दिया है तो हमारे शाहरुख खान पठान ने दिया है। जोर का झटका हाय धीरे से लगा भी नहीं, कहिए जोर का झटका हाय जोरों से लगा, इनकी चड्डियों में 380 वोल्टेज के झटके मारे हैं। अभी भी कह रही है सनातनी हो समय है, दो तीन और क्या करेगी अब तू पागल, अब तो झटका लग गया तुम्हारी चड्डियां फट गई, गुफा हो गई, अब क्या करोगे? सुपर डिपर हुट हिट हो गई। मैं तो कह रही इतनी मुश्किल से मुझे टिकट मिला था, अगर मुझे रोज भी मिला मैं फिल्म रोज देखने आऊंगे, भक्तों को भक्तों की फिर वही करूंगी। पठान लगभग देखिए पठान का तो मैंने आपको तीन दिन पहले आप ही के चैनल पे बोला था कि 1100 करोड़ कम से कम कमाएगी, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है कि कहीं 2000 ना क्रॉस कर दे। बॉलीवुड की किस्मत सुधार दी शाहरुख खान ने, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि देखो तुम्हारा जो चाय वाला तड़ी पार सारे के सारे नाकाम हो गए, जब शाहरुख खान एक फिल्म में इतना कामयाब हो सकता है, पूरे देश को जोड़ सकता है, जो देश तोड़ने की बात कर रहे, तो उस खान ने पठान ने देश जोड़ा, तो मैं तो चाहूंगी कि हमारे शाहरुख खान को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मोदी जी आप एक तरफ हो, अर्थव्यवस्था सुधार रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गर्क हो चुकी, शाहरुख खान ने उस माहौल में जहां 2 महीने से 1 घंटे की फिल्म का बाइकॉट चल रहा था, शाहरुख खान ने उस 1 घंटे की मूवी से देश को देखो अर्थव्यवस्था मजबूत करी, और उसने दिखाया कि अगर आप सच्चे हो, अपने कॉल पे कायम हो, आप सच्चे भारतीय पठान हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी अगर देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए तो शाहरुख खान जैसा होना चाहिए। मोदी जी क्या मौका देंगे? बिल्कुल भाई, देश का प्रधान नाकाम है अर्थव्यवस्था, तो मोदी जी ने करा क्या? सब चीजें खत्म कर दी, डॉलर हमसे ऊपर चला गया, हर बात में बायकॉट गैंग निकल कर आ जाता है। जो बंदा देश की अर्थव्यवस्था सुधारे, दो देश में एक मिलनसारी मोहब्बत का पैगाम दे, तो वो आएगा। शाहरुख खान ने मेल जोल का एक पैगाम दिया, आप देखिए आप तो सुबह से शूट कर रहे हो, तमाम मेरे भारत में सारे मुसलमान तो नहीं रहते, 80-20 का मामला है, 20% मुसलमान रहते, लेकिन ये फिल्म मुसलमानों तो हिट नहीं करी, पठान को पठान के बच्चों ने तो नहीं बचाया, पठान को तमाम भारत के बच्चों ने बचाया, तो तमाम लोगों ने बचाया, तो तमाम लोग मेरी तमाम कम्युनिटी शाहरुख खान पे जान लुटाती है, तमाम उन लोगों ने भी फिल्में देखी। सीन काटने की बात आ रही थी, क्या कोई सीन कटा है? हे इतना खतरनाक सीन थे, दीपिका पादुकोण ने तो पता नहीं भगवे में क्या क्या करा, इसमें भगवे में लड़ रही है सारे पुनः भगवा कपड़े पहने, कोई नहीं सीन काटा और 2-3 ऐड कर दिए भाई इसमें, और बढ़ा दिए, काटा वाटा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा रखे, मैंने स्टेटस पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, तो कह रहे थे कैंची चलवा दी, उनके फर्जी आस्थाओं पे कैंची चल गई, 1.5-2 महीने तक चप्पल चुरा के इनकी चड़ियां फट गई, लेकिन एक फिल्म का बायकॉट नहीं कर पाए। फिल्म सिनेमा हॉल का पिक्चर अंदर ऐसा था जैसे सब ऐसा लग रहा था लोग शाहरुख खान के साथ ही बैठे हुए, हाँ मेरी जान, मेरी पठान, मेरी जान, ऐसे कर रहे थे सब, झूम रहे थे अंदर बुरी तरह, तो ऐसा ही लग रहा था कि फिल्म नहीं चल रही, लोग शाहरुख खान के साथ बैठे हुए उसकी फैमिली का हिस्सा है। बायकॉट तो मैं तो ये कहूंगी लगातार तुम करते, मैं तो कहूंगी वो बायकॉट करते ना, लेकिन आप लोग बायकॉट को सीरियस लेके, इसी तरह जैसे आपने, मैं तो कहती हिंदुस्तान में 3 मूवमेंट चले, पहला NRC चला, दूसरा वो चला किसान मूवमेंट, तीसरा जो मूवमेंट चला उसका नाम था पठान, ये तीसरा इनकलाब था, ये तीसरा प्रोटेस्ट था जो लगातार 2 महीने चला, और फाइनली पठान जीत गया। यो